हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं केवीएस डीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 2023 की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। 665 क्वेश्चन का सीरीज है, जो पार्ट बाई पार्ट मैं जल्द से जल्द आपको पूरा करवाने की कोशिश कर रही हूँ। यह 10-15 पार्ट में होगा, यह पार्ट नंबर 4th है। और दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे और जल्दी से जल्दी अपने रिवीजन को पूरा करिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि उपास्थि यानी कार्टिलेज जो अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने से बचाव करती हैं, क्या कहलाती हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, जोड़ों पर कार्टिलेज यानी उपास्थि होता है। जो अस्थियां तो कठोर होती है, बस उपास्थि लचीला पर लिए होता है, गद्देदार होता है। तो वो जो शिराओं अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने पर बचाव करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पारभासी उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है। तो दोस्तों, शरीर में लंबी हड्डियां उत्तोलक के रूप में कार्य करती हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्तोलक 3 प्रकार की है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक को संतुलन का लीवर कहते हैं, जिसमें एक्सिस यानी कि जो फलक्रम होता है बीच में होता है रेसिस्टेंस और फोर्स के। एंड जिसमें हमारे दूसरा प्रकार का उत्तोलक बल का लीवर कहा जाता है, जिसमें जो भार होता है यानी रेसिस्टेंस होता है वो बीच में होता है फोर्स और एक्सिस के, जिसे हम बल का लीवर कहते हैं। तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है गति का उत्तोलक, जिसमें आपका फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के, जिसे गति का उत्तोलक कहते हैं। इसके बारे में, उत्तोलक के बारे में अगर आपको जानना है, तो मेरे उत्तोलक वाले वीडियोज को किनेसियोलॉजी फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा उत्तोलक पाया जाता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्सल बोन यानी कि जो हमारे टखने में पाई जाती है, टखना और उसके ऊपरी भाग की हड्डी का खास कार्य क्या है? तो दोस्तों, यह हमारी ऑप्शन है सुरक्षा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, उत्तोलक के रूप में कार्य करता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे यह सभी चीजों का कार्य करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोवियल ज्वाइंट यानी जो अचल संधियां होती हैं, एक ऐसी झिल्ली वाला जोड़ जो हड्डियों के बीच तरल पदार्थ रखती है और जिसके कारण वह जोड़ या ज्वाइंट हिलता डुलता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घुटने का जोड़, यहाँ जो हमारे घुटने पर पटेला हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मांसपेशियां लंबी अवधि वाले कार्य में थकान से बचाती हैं? तो लंबी अवधि के लिए कौन सी मांसपेशियां कार्य करती हैं? मंद ऐठन वाली। जैसा कि दोस्तों, हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशियां जो कंकाली पेशियां होती है, उसमें दो प्रकार के फाइबर होती है, फास्ट ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर यानी कि जो वाइड मसल फाइबर होती है, और दूसरा होता है मंद ट्विस्ट फाइबर यानी कि स्लो ट्विस्ट फाइबर, जो रेड मसल फाइबर होती है। जो रेड मसल फाइबर होती है वो मंद मंद ट्विस्ट होती है, यानी मंद ट्विस्ट फाइबर होती है, जो लंबे समय की क्रिया और सहनशीलता वाले कार्य में यानी एरोबिक वाले क्षमता वाले कार्य में ज्यादा काम करती है। और जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर वाइड मसल फाइबर होती है, वह कम समय की क्रियाओं यानी कि जैसे कि स्प्रिंट दौड़ों में 100 मीटर 200 मीटर दौड़ों में, एंड जो अनएरोबिक क्रियाएं होती है, सबसे कम समय की क्रियाएं होती है, 1 से 2 मिनट तक की जो क्रियाएं होती हैं, उसमें ज्यादा कार्य करती हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन मांसपेशियों के कारण संधियां यानी जोड़े मुड़ जाती हैं, उन्हें कहते हैं? तो दोस्तों, मुड़ने को जो हम अपने, जैसे कि आप अपने हाथों को मोड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या, कौन सी क्रिया हो रही है? फ्लेक्शन यानी आकुंचनी। तो हमारे पेशियों के दो गुण पाए जाते हैं, आकुंचनी और पसारा यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो मुड़ने को हम क्या कहेंगे? आकुंचनी यानी कि फ्लेक्शन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल उत्पादन लेकिन तंतु प्रवर्धन का एक अन्य नाम यह भी है। दोस्तों, बल उत्पादन हो रहा है लेकिन तंतु प्रवर्धन यानी कि जो मांसपेशी की लंबाई है वो बढ़ रही है। जैसे कि आपको जानते हैं कि बल उत्पादन की 3 विधियां हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, जिसमें से आइसोमेट्रिक में मांसपेशी की लंबाई घटती बढ़ती नहीं है, तनाव बना रहता है। और जो आइसोटोनिक होती है, इसमें मांसपेशी की लंबाई घटती है बढ़ती है, ठीक है, तो एक समान तनाव इसमें रहता है। तो लंबाई घटने को हम कहते हैं कंसेंट्रिक यानी कि जैसे फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, कंसेंट्रिक यानी कि संकेंद्री संकुचन हो रहा है। और लंबाई बढ़ने को हम कहते हैं इंसेंट्रिक यानी
उत्केंद्री संकुचन हो रहा है, यहाँ तंतु प्रवर्धन की बात हो रहा है, तंतु प्रवर्धन यानी कि बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्केंद्री संकुचन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि काइफोसिस का एक अन्य नाम यह भी है, तो काइफोसिस को हम गोल काइफोसिस जो होता है उसको हम गोल पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुबड़ापन को यह भी कहा जाता है, तो कुबड़ापन को हम काइफोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे पीठ हमारा उठ जाता है। नेक्स्ट है मेरुदंड की तिरछी वक्रता को क्या कहते हैं, दोस्तों तिरछी वक्रता को हम पार्श्व कुब्जता यानी कि लेटरल डिविएशन यानी कि हम इसको कहते हैं स्कोलियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है मुक्त वायु अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पदार्थ के मार्ग को कहते हैं, दोस्तों कोई वस्तु आप फेंक रहे हैं तो जो उस मार्ग में जैसे करके वो जा रही है वहां, यहाँ फेंकने से लेकर वहां गिरने तक के बीच का जो समय जो होता है उसको परवलय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसकी अवधि, अवधि किसकी माप है, तो अवधि जो है वह समय की माप है। नेक्स्ट दोस्तों चाल किसके माध्यम में सूचित होती है, माध्यम से सूचित होती है, दोस्तों चाल का जो इकाई होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। मीटर के साथ देगा तो प्रति सेकेंड होगा, किलोमीटर के साथ होगा तो पर आवर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है दोस्तों कि गति के प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है, तो गति के प्रथम नियम को हम जड़ता का नियम, गैलीलियो का नियम और लाभ इनर्सिया अक्रमण्यता का नियम, जड़त्व का नियम आदि नामों से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों न्यूटन ने तीन गति के नियम को दिया है 1887 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया पुस्तक में, तो पहला नियम को जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम, अक्रमण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है। दूसरे नियम को कहा जाता है संवेग का नियम या त्वरण का नियम या लॉ ऑफ मोशन या एक्सीलरेशन मोमेंटम या बल के प्रतिफल का नियम, इसी नामों से जाना जाता है। तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं और इसको एक्सर्जेशन या काउंटर फोर्स लॉ या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी बोला जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाई हूं, उसके बारे में जानने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो विश्लेषण करती है उन पिंडों का जो गति में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है बल के कारण का वर्णन करने वाली यांत्रिकी की शाखा को कहते हैं, जो बल के कारण को वर्णन करती है उसे हम शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिकी की वह शाखा जो उस बल की विवेचना करती है जो गति की स्थिति में को पैदा करता है या बदलता है, उसको क्या कहते हैं, तो बल गति विज्ञान। क्या कहते हैं उसको, बल गति विज्ञान, जो गति की स्थिति को पैदा भी करता है बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर अस्थि पंजर होते हैं, दोस्तों अस्थि जो है दो प्रकार की होती है, बाह्य अस्थि और अंतर अस्थि, मतलब कि बाहरी बाहर जो अस्थि पाए जाते हैं और अंदर, तो अंतर अस्थि पंजर को हम अस्थि या उपास्थि, अस्थियां उपास्थियां बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य अस्थि पंजर यानी जो बाहर रूप से अस्थि होते हैं उसको हम कहते हैं चर्म, आवरण और बाल और नख, जो नाखून होते हैं वो हमारे बाह्य कंकाल कहलाते हैं, ठीक है। अंतर कंकाल में अस्थि पास्थि, वाह कंकाल में चमड़ी बाल और नख आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जोड़े का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, जोड़ों के अध्ययन को हम आर्थोलॉजी बोलते हैं, तो यहाँ मानव विज्ञान सही हो जाएगा, और अस्थियों के अध्ययन को आर्थियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी अस्थि जांघ की होती है, उर्वास्थि जिसे हम इंग्लिश में फीमर कहते हैं, सबसे छोटी अस्थि हमारे कान में स्टेपीज होती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्माअस्थियां यानी मेटाकार्पल और अंगुलास्थियां फ्रेंजेज जो उदाहरण है, यह स्थूलक संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मणिबंध कर्माअस्थि संधि उदाहरण है, तो मणिबंध कर्माअस्थि अस्थि पृष्ठिका संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों स्थूलक संधि में कौन सी गतियां संभव होती है, यानी कि हमारा जो
अंगुला मेटाकार्पल और अंगुलासिया होती है, स्थूलक संधि है। तो स्थूलक संधि में कौन सी गतियां संभव है? तो स्थूलक संधि में आपका फ्लैक्स, आकुंचन, विस्तारण, अपावर्तन, अभिवर्तन और परिसर्पण, ये सभी गतियां संभव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक अक्षीय संधि का उदाहरण है? तो एक अक्षीय संधि का उदाहरण है स्थूलक संधि और पृष्ठीय संधि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विअक्षीय संधि का उदाहरण है? तो द्विअक्षीय संधि का उदाहरण है आपका कोण संधि या धुराग्र संधि दोनों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारा जो कब्जा संधि है, हमारा जो एल्बो ज्वाइंट है, वो एक अक्ष में गति होता है, जिसे हम कब्जा संधि कहते हैं। और जो हमारा एल्बो ज्वाइंट है, जो हमारा बिस्ट ज्वाइंट है, उसमें दो अक्ष में गति होती है, जिसे हम कॉन्डिलर ज्वाइंट कहते हैं। और जो हमारा कंधे का ज्वाइंट और हिप का ज्वाइंट है, वो मल्टी एक्सियल संधि होती है, जिसे हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में तीन प्रकार की संधि पाई जाती है, चल, अचल और अर्धचल। अचल संधि ज्यादातर हमारे खोपड़ी में पाई जाती है और अर्धचल संधि हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारे पसलियों में पाई जाती है। और जो चल संधियां होती है वो छह प्रकार की होती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट एंड कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सैकेट ज्वाइंट, कॉर्निलवर ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट आदि होती है, जिसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल अस्थि पंजर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जैसा कि हमारे अस्थियों को दो भाग में बांटा गया है, एक्सियल कंकाल और अपेंडिकुलर। एक्सियल कंकाल में हमारे धड़ आता है, यानी कि हमारे पसली, हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारे खोपड़ी की हड्डी आती है, जिसमें से 80 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 80 हड्डियां होती है। 80 हड्डियों में कौन कौन होती है दोस्तों? हमारे खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है, यानी हमारे खोपड़ी में हमारा चेहरा, हमारा कान, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन में जो ढका होता है वो आता है, यानी क्रेनियल बोन और हमारा हेड बोन। तो हमारे चेहरे में 14 हड्डियां होती है, हमारे क्रेनियल बोन 8 हड्डियां होती है, हमारे कान में दोनों तरफ 3-3 हड्डियां यानी 6 हड्डियां होती है, हमारा हेड बोन एक, कुल मिलाकर के 29 हड्डियां होती है। और हमारे जो पसली होती है 12-12 जोड़ी होती है दोनों तरफ, तो 24 पसली हो गई है। बीच में एक मोटी सी हड्डी उरोस्थी होती है जिसे स्टर्नम बोलते हैं, एक, यानी कुल 25 हड्डियां हो गई। और हमारे जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो वयस्क होने पर 26 होती है, बच्चों में 33 होती है। कुल मिलाकर के इस प्रकार 80 हड्डियां होती है हमारे एक्सियल कंकाल में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपबंध यानी अपेंडिकुलर अस्थि पंजर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें कुल संख्या अस्थियों की 126 होती है। जैसे कि अपेंडिकुलर में हमारे दोनों हाथ अपर लिम और लोअर लिम आते हैं, तो अपर लिम में हमारा आ जाता है दोनों हाथ, कंधे, हसली, और लोअर लिम में हमारे दोनों पैर और कुल्हा आ जाते हैं। तो अपर लिम में कुल 64 हड्डियां होती है, दोनों हाथों में 33 हड्डियां और दो हमारे कंधे के हड्डी, इसके पुला और दो क्लेविकल हड्डी, यानी कुल 64 हड्डियां। और नीचे लोअर लिम में हमारे दोनों पैर में 33 हड्डियां, 60 हो गई हमारे दोनों, हमारे कुल्ले में दो हड्डियां 62, यानी 60 और 62 और 64 कुल मिला करके 126, यानी अपेंडिकुलर में आपके 126 हड्डियां, यानी एक्सियल कंकाल 80 और अपेंडिकुलर 126 दोनों मिला के 206 हड्डियां, यानी हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओर से दूसरी ओर पार्श्विक रूप से गुजरती हुई काल्पनिक कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं पार्श्विक अक्ष। क्या कहते हैं? एक ओर से दूसरी ओर गुजरती हुई कल्पित रेखा को पार्श्विक अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ का तिरछा झुकाव किसके संचलन का उदाहरण है? यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामने का स्तर और सममितार्धि अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ के आगे का झुकाव किसके संचलन का उदाहरण है? तो आगे का झुकाव वह उदाहरण है सममितार्धि स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्फ संधि पर पद का आगे की ओर ऊर्ध्व संचालन है? तो यह पृष्ठीय आकुंचन है। क्या है? पृष्ठीय आकुंचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर को कंधे के दाएं और बाएं झुकाना क्या है? तो सिर को कंधे के दाएं और बाएं झुकाना पार्श्विक आकुंचन है। क्या है? पार्श्विक आकुंचन। नेक्स्ट है, न्यूटन के तीसरे
गति के नियम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों न्यूटन ने तीन नियम दिए हैं, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु तब तक गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। और दूसरे नियम के अनुसार वेग परिवर्तन की दौड़ को हम त्वरण कहते हैं यानी संवेग कहते हैं। जैसे कि हम ऊपर रॉकेट छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, तो वो आपका उदाहरण है दूसरे नियम का। तीसरा नियम कहलाता है कि जितना बल हम लगाएंगे वस्तु भी उतना ही बल हमारे पर लगाएगा। तो जैसे कि गेंद को हम दीवार पे फेंकते हैं और उतने ही बल से वो वापस आता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। डेली बेसिस पे जल्दी से जल्दी रिवीजन कीजिए और एक मिनट भी टाइम को वेस्ट मत कीजिए। दोस्तों आप लगे रहिए प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।